हाँ जी स्टूडेंट्स, हम अपना पाठ रहीम के दोहे पढ़ रहे थे। हमने अपनी पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था कि जो प्रथम दोहा है उसमें क्या बताया गया है कि सच्चे मित्र के गुण क्या होते हैं, सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए। इसमें रहीम जी हमें यही बताते हैं कि जो धन के समय हमारा साथ देते हैं वो हमारे सच्चे मित्र नहीं होते, जो संकट के समय में या मुसीबत के समय में हमारा साथ देते हैं, हमारी सहायता करते हैं, वही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। और जो हमारा दूसरा दोहा है उसमें मछली का जल के प्रति जो सच्चा प्रेम है उसे वर्णन किया गया है कि जैसे मछली को जाल में पकड़ लिया जाता है, मछली तो जाल में फंस जाती है लेकिन जो जल होता है वो बह जाता है। मछली पानी के बिना जीवित नहीं रहती, जब मछली पानी से बाहर आ जाती है तो वो मर जाती है, लेकिन जो जल होता है उसे मछली की कोई परवाह नहीं होती, मछली जल को सच्चा प्रेम करती है। इतना हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था, आगे हम आज पढ़ेंगे। तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पीर ना पान, कह रही प्रकाशित संपत्ति सचे सुजान। इस दोहे में रहीम जी सज्जन व्यक्तियों के गुणों की प्रशंसा करती हैं। तरवर बोलते हैं पेड़ को, सरवर बोलते हैं सरोवर या समुन्द्र को। रहीम जी कहते हैं कि जैसे पेड़ अपना फल नहीं खाते, वे अपना फल दूसरों को देते हैं, वैसे ही जो सरोवर होता है, जो समुन्द्र होता है, वो अपना पानी खुद नहीं पीता, वो अपना जो पानी है वो दूसरों को देते हैं। इसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो अपनी धन संपत्ति आम जनता के हित में लगा देते हैं, वे स्वयं के लिए धन अर्जन नहीं करते हैं, उनका जीवन आम जनता की भलाई के लिए होता है। इसमें यही बताया गया है कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो अपनी जो उनका धन होता है, जो उनकी धन संपत्ति होती है, उसका प्रयोग वो अपने लिए नहीं करते बल्कि उसका प्रयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दी है कि जैसे जो पेड़ होते हैं वो अपना फल खुद नहीं खाते बल्कि दूसरों को देते हैं, इसी प्रकार जो समुन्द्र होता है वो अपना पानी खुद नहीं पीता दूसरों को देता है, इसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो अपना धन दूसरों की भलाई के लिए लगाते हैं। आगे है थोथे बादर कवार की, जियो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाशली बात। कवार बोलते हैं आश्विन महीने को, हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो सितंबर अक्टूबर का टाइम होता है उस समय को कवार बोलते हैं। रहीम जी कहते हैं कि कवार के महीने में बादल व्यर्थ ही गरजते हैं, वे बरसकर कुछ लाभ नहीं करते, इनसे कृषि का हित नहीं होता। वैसे कवार के बादल की तरह जो निर्धन व्यक्ति होते हैं, निर्धन मतलब जिनके पास पहला तो पैसा होता है लेकिन अब कोई पैसा नहीं होता, उसे बोलते हैं निर्धन, क्योंकि कोई धन नहीं है, जो अपनी अमीरी को याद करके पछताते रहते हैं। जो पहले बहुत अमीर होते हैं वो वही अपनी बातें याद करते रहते हैं, अपनी घमंडी भरी बातें करते हैं, अपनी अभिमान भरी बातें करते रहते हैं, अपनी जो वर्तमान स्थिति है उसको सुधारने की कोई कोशिश नहीं करते, उनका पछताना वर्तमान समय के व्यर्थ है। उसी प्रकार कवार के बादलों का बरसना व्यर्थ है, दोनों ही परिस्थितियों के कारण निर्धन जैसा व्यवहार करते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।